देखा गया किसी भी कुछ भी करके अगर 10 लोग को खड़ा करा लिए और आपके नारे लगा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ही मतलब आपका नाम चल रहा है और आप जीत रहे हो, ऐसा इससे कुछ नहीं होता। वो तो वहाँ भाई अपना लुटाने के लिए लोगों को पैसा देकर के खड़ा करते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे जा करके देखिए मोदी मोदी नहीं, वहाँ पे राहुल राहुल चलता है। आप सिस्टम को जा करके देखिए, राहुल जी गरीब की बात करते हैं, राहुल जी ओबीसी की बात करते हैं, राहुल जी ओबीसी की जनगणना की बात करते हैं, राहुल जी जो है जो महिला आरक्षण बिल है उनके लिए लड़ते हैं, जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उनके लिए लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री देखिए, भाजपा तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, और देश की जनता जान चुकी है कि किस प्रकार से मोदी की तानाशाही सरकार जो महिलाओं के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, ओबीसी के आरक्षण के नाम में, जाति जनगणना के नाम से कैसे लॉलीपॉप खिलाते, कैसे लोगों देश की जनता को बरगलाने और जुमलाबाजी का काम करते हैं जिससे वो अधिक से अधिक संख्या में वोट बटोर सके। इस प्रकार की गंदी राजनीति को पूरे भारत देश की जनता जान चुकी है और उनको कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका समर्थन अपन भावना जाग चुका है। वो जानते हैं कि हम 5 राज्यों में चुनाव है, पांचों राज्यों में मैं आपको मतलब स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि हम 5 राज्य में अधिक से अधिक वोटों से हम जीतेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जो है वो उन्होंने इतनी अच्छी गरीब किसानों के लिए, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी काम की, किसानों का कर्ज माफ़ किए, बिजली बिल हाफ किए और किसानों को बोनस दिए, इतने इतने धान की जो धान की जो बिक्री खरीदी मूल्य है उनको समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया है। इस तरह से सरकार लगातार हमारे छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान में भी हमारी सरकार, राजस्थान में भी सरकार अच्छी काम कर रही है। वो तो उनकी मीडिया जो सारी चीज़ों को तो सिस्टम को अपने हैक कर रखा है, सारी चीज़ें तो जैसे बोलते जाते हैं उनके आधार पर ही होते जाता है, लेकिन एक्चुअल आप ग्राउंड पर जा करके देखिएगा तो आपको मोदी मोदी के जगह में राहुल राहुल दिखाई देता है और नफरत जैसे फैली हुई वहाँ पे भी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में जुड़ करके वो प्यार जैसी मोहब्बत जैसी बातें करते हैं, भेदभाव जैसे कोई भावनाएं नहीं रहती है। तो क्या कह रहे हैं उधर एनडीए की सरकार जो है लगातार बोल रही है कि हमारी सरकार बनेगी और भाजपा का इंडिया का सुपड़ा साफ कर देंगे। वो तो कुछ भी बोलते रहे, हम बता रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनेगी और जो कि हम भाजपा है उसका हम सुपड़ा साफ कर देंगे, क्योंकि जान चुकी है देश की जितने भी मतलब जो भी सरकारी जो चीज़ है, जैसे कि बड़ी बड़ी रेलवे है, एयरपोर्ट है ना, और जितने भी सरकारी सिस्टम है उनको केवल मोदी जी है जो देश की जनता को जुमलाबाजी कर करके वो अडानी अंबानी को दे रहे हैं, और देश की जनता हर गरीब मजदूर किसान का जो पैसा है, हमने तो पैसा, हमारी पार्टी ने तो पैसा देने काम करे, चाहे पेट्रोल डीजल कम करके दे रहे हैं, गैस सिलेंडर का अभी आने वाले में गैस सिलेंडर भी कम कर देंगे, किसान को धान की बोनस के रूप में पैसा दे रहे हैं, तो कर्ज माफ़ी के रूप में दे रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा हर गरीब मजदूर किसान को पैसा देने के काम कर रही है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है वो लेने की काम करती है। अब लेने की काम कैसे करती है, कभी GST के माध्यम से, कभी इनकम टैक्स के माध्यम से, तो कभी और किसी माध्यम से, वो केवल ले करके अडानी अंबानी के उस पर जेब में डालने का काम करती है। एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी सरकारी सिस्टम को बेच रहे हैं, इस तरह से बेच देश के जो सिस्टम है उनको बेच करके वो अडानी अंबानी के नाम में डाल रहे हैं। इससे देश की जनता तानाशाही सरकार से पीड़ित है और निश्चित रूप से 5 राज्यों में चुनाव, 5 राज्य में अधिक बहुमत से हम जीतेंगे और आने वाला 2024 में भी हम इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो फिर भी मोदी मोदी कर रही है, तो वो अपनी वाहवाही लुटा रहे हैं ना। अभी मोदी मोदी आप किसी को पैसा दे करके या किसी भी कुछ भी करके अगर 10 लोग को खड़ा करा लिए और आपके नारे लगा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ही मतलब आपका नाम चल रहा है और आप जीत रहे हो, ऐसा इससे कुछ नहीं होता। वो तो वाहवाही अपना लुटाने के लिए लोगों को पैसा दे करके खड़ा करते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे जा करके देखिए तो मोदी मोदी नहीं, वहाँ पे राहुल राहुल चलता है। आप सिस्टम को जा करके देखिए, राहुल जी गरीब की बात करते हैं, राहुल जी ओबीसी की बात करते हैं, राहुल जी ओबीसी की जनगणना की बात करते हैं, राहुल जी जो है जो महिला आरक्षण बिल है उनके लिए लड़ते हैं, जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उनके लिए लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब मणिपुर में जब महिलाओं का जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया तो उसमें वो चुप्पी साधे हुए थे, देश की स्मृति ईरानी जो कि महिला मंत्री है उन्होंने भी चुप्पी साधी हुई थी, उनको जाने का वहाँ टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, जबकि पूरी इंडिया और देश विदेश घूमने के लिए समय है। लेकिन वहीं पे देखिए आप जनता के प्रति लगा और महिलाओं के प्रति लगा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने दो दो तीन तीन बार वहाँ गए, वहाँ की महिलाओं की उत्पीड़न को देखे, उनको निराकरण करने की कोशिश की। ये हमारे ये जननायक नेता है और ये सच्चे देशभक्त नेता है।
ये तो देश की जनता जान चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में भी इनकी जो लोकप्रियता है वो दिखाई दी है। आप स्पष्ट रूप से पूरी देश देख रहे हैं और निश्चित रूप से चुनौती दे रहे हैं और देश की जनता बीजेपी को तमाचा देगी। आने वाला 5 राज्यों में चुनाव और निश्चित रूप से 5 राज्यों में जीतेंगे। साथ ही साथ हम केंद्र में भी 100% हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जो भाजपा है ताल ठोक रही है लगातार कि वो कह रही है कि 5ों राज्य के चुनावी सेमीफाइनल में हम सत्ता हासिल करेंगे और वहीं 2024 में परचम लहराएंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, लगातार हैजीत की हैट्रिक लगाएंगे। ठीक है, उनके बोलने से क्या होता है? बोलने से तो आप बोल दोगे कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, बोलने से थोड़ी ना होता है। जमीन स्तर पे कर्म करने से होता है, मेहनत करने से होता है, किसी चीज बोलने से ही प्राप्त नहीं होती। क्या की है? यही की है ना कि जो हमने जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो 70 साल में बनाए थे उसको क्या किया है? जो हम IIT, रेल रेलवे क्या एयरपोर्ट जो सारी चीजें है तेल को बेच दिया, सारी चीज को तो बेच दिया और उन्होंने केवल बेचने का काम किया है। और हमने तो विश्व में डंका बज रहा है, ये भी तो देखो क्या विश्व में डंका बज रहा है, क्या बोल रहे हैं? ओबीसी के नाम से जुमलाबाजी कर रहे हैं, महिला आरक्षण के बारे में जुमलाबाजी कर रहे हैं। अगर करना है, अगर महिला आरक्षण देनी है, ओबीसी आरक्षण देनी है, ओबीसी की जनगणना करानी है, तो जब एक नोट वाली बात जो है जो मिनटों में ही बंद हो जाती है, सारी नियम कानून लागू हो जाती है, तो ये बताओ महिला आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और ओबीसी जनगणना, ये तो क्षण भर की काम है। मोदी जी चाहे तो क्यों नहीं कराते उसको? जुमलाबाजी क्यों करते हैं? कराना चाहिए ना उनको, कितना समय लगता है? अब महिला आरक्षण की बात की है लेकिन अब बोल रहे हैं कि 29-30 में देंगे, तो क्या मतलब 29? अगर आरक्षण देना है तो अभी दे, हर महिला को अभी विधानसभा लोकसभा में आरक्षण में उनको छूट मिलेगी और वो अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे और वो हर गरीब मजदूर किसान के बच्चे जो ओबीसी वर्ग के हैं उनके बच्चे लोग को भी छूट मिलेगा, जिससे वो आगे पढ़ सकते हैं, आगे भविष्य नौकरी जो भी करना है उनको छूट मिल सकता है। लेकिन ये तो केवल नोट वोट की राजनीति कर रहे हैं। अब जब कुछ नहीं मिला तो फिर वही महिला आरक्षण आ गया, ओबीसी आ गया, ओबीसी जनगणना आ गया, सारी सिस्टम मतलब हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर दी है और देश को जो है विश्व स्तर पर गुरु बना दिया है। देखिए विश्व स्तर पर गुरु नहीं बना है, वो अपना वाहवाही लुटा रहे हैं क्योंकि पैसा इतने ज़्यादा उनको मिल रहा है GST और ये सब के माध्यम से। हाँ। वो अपनी उस सारी पैसे को हर गरीब मजदूर किसान का पैसा लेकर के उन्होंने कभी MLA MP को खरीद कर सरकार बनाने की काम करी है। मतलब ये लोकतंत्र का भी शोषण कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए। जो मेहनत करके जो जनता जो चुन करके आ रहे हैं, जननायक नेता जो अपन MLA MP बना रहे हैं, तो MLA को भी तो उन्होंने पैसे के दम पे खरीद करके वो उनको तोड़ करके वो अपना शासन करने के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये सब पैसे से खरीद रहे हैं। आप देख रहे हो कहाँ कहाँ नहीं खरीदा, MP में वैसी पैसे से विधायक को खरीद लिया गया, गोवा में वैसे, मतलब कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो पैसा तो जनता से लेते हैं और उनको MLA MP खरीद करके सरकार बनाने में लगे होते हैं उनकी पूरी सिस्टम। मतलब आप जो कह रही हैं उस बात को कहाँ तक देखें? अगर देखा जाए तो भाजपा अलग ताल ठोक रही है और आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तो जहाँ तक है सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि देश की जनता जान चुकी है कि मैं कैसे बीजेपी के लोग जुमलाबाजी करते हैं, देश की तानाशाही सरकार किस तरह से सिस्टम को पूरा मतलब शोषण करके रखे हैं और हैक करके रखे हैं, जिससे लोग परेशान हैं और निश्चित रूप से लोग जान चुके हैं देश की जनता कि आने वाला चाहे विधानसभा की चुनाव हो चाहे 2024 की लोकसभा चुनाव हो बीजेपी को तमाचा देंगे। बीजेपी को तमाचा देने की बात करें, बीजेपी परचम लहराने की बात करती है, बीजेपी सर्वे में भी बीजेपी का परचम लहराता है। देखिए आपने तो सर्वे में शायद मेरे हिसाब से कर्नाटक में भी देखी होगी, सर्वे में शायद आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे? बजरंगबली का गदा दिखाया लेकिन गदा ने भी उनको गदा से ही सुपड़ा साफ कर दिया कर्नाटक का। तो ऐसी अभी तो कर्नाटक की पिक्चर अभी तो शुरू हुई है, पूरी अभी बची हुई है। तो देखिए यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ में तो 100% कांग्रेस की सरकार आएगी क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और मध्य प्रदेश में भी अच्छा काम किया है, वहाँ पे भी सरकार आएगी। वहाँ तो सरकार छीना गया था, हमारी तो सरकार थी ऑलरेडी। और राजस्थान में भी हम जितने 5ों